नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। मैंने शनिवार को आप लोगों को भारत का इतिहास टॉपिक पर एक क्वेश्चन पेपर दिया था। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। आज हम उस क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये डिस्कशन वीडियो शनिवार शाम को अथवा रविवार सुबह अपलोड होना था, लेकिन किसी कारण से जो है मैं अपलोड नहीं कर सका। तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा, और जिस किसी ने भी अभी तक उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है, पहले वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, फिर इस वीडियो को देखें। मैंने क्वेश्चन पेपर के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता। तो देखते हैं, पहला सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, मतलब कि एक का बी है। उस बाद दूसरा दूसरा है लोथल, तो लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। तीन बनावली, बनावली के खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, और सुतकांगेन डोर के खोजकर्ता थे ऑरेल स्टाइन। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, बी डी सी ए, मतलब कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सही है। आपको बताना है, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं कि उनमें से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। पहला है सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर है, तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर है, हमने पढ़ा था। सेकंड है सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे, तो ये गलत है। तीसरा, यहाँ की मुहरे सैल खड़ी से निर्मित थी, ये भी सही है। चौथा, विशाल स्नानागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये गलत है। जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पांचवा है, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, ये सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 3, 5, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में क्या सही है, ये पूछ रहा है। तो जो 2 और 4 है वो गलत है, 1, 3, 5 सही है, मतलब कि ऑप्शन सी सेकंड का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों के आदि निवास स्थल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो नीचे कुछ जोड़ियां दी हुई है, एक तरफ जो है आर्यों का निवास स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसको मानने वाला विद्वान, तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तिब्बत, तिब्बत जो कि दयानंद सरस्वती जी मानते हैं कि आर्यों का आदि निवास स्थल तिब्बत है, ये सही है। बी है सप्त सैंधव क्षेत्र अविनाश चंद्र, ये भी सही है। सी है मध्य एशिया बाल गंगाधर तिलक, तो ये गलत है। मध्य एशिया ये किनके अनुसार है, मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि आर्यों का आदि निवास स्थल मध्य एशिया है, वही बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए थे। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सी सी गलत है। उसके बाद डी देख लेते हैं, तो डी हिमालय, के शर्मा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चौथा देखते हैं, पाटलिपुत्र के संबंध में क्या सही नहीं है। पाटलिपुत्र नगर के विषय में कुछ कथन है, तो बताना है आपको कि कौन सा एक सही नहीं है। ए है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाईन ने की थी, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है हर्यक वंशीय शासक उदाईन ने की थी। बी है पाटलिपुत्र कालाशोक के समय से मगध की स्थायी राजधानी बनी, तो ये सही है। जो कालाशोक था उसके शासनकाल के समय से जो है मगध साम्राज्य की ये स्थायी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। सी है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, तो ये गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, इसका आयोजन हुआ था वैशाली में, और ये पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो ये जो सी है ये गलत है। उस बार डी है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, सही है ये बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, गौतम बुद्ध के विषय में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, ए जन्म, सामने दिया है 563 ईसा पूर्व, सही है ये। बी पत्नी यशोदा दिया हुआ है जो कि गलत है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। सी ज्ञान प्राप्ति बोध गया, तो ये भी सही है। डी प्रथम उपदेश सारनाथ, तो इन्होंने जो है इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और प्रथम जो उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, तो
इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, बी, पत्नी यशोदा नहीं है यशोधरा है, तो जो सही नहीं है उसको पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण अशोक का अभिलेख है, तो पूछ रहा है कि कौन सा अभिलेख ऐसा है जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। देखते हैं, ऑप्शन ए है सोपारा, बी धौली, सी मानसेहरा, डी गिरनार। तो ये जो सोपारा, धौली और गिरनार, ए बी डी, ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, केवल सी जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, मतलब कि मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से दो याद रखना है आपको, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जो कि खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं, दोनों पाकिस्तान में हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में कंटक शोधन का संबंध है, बताना है आपको कंटक शोधन का संबंध मौर्य काल में किससे था, तो ऑप्शन ए है एक प्रकार का कर, बी एक प्रकार का न्यायालय, सी एक प्रकार का दंड, डी एक प्रकार का विभाग। तो कंटक शोधन का संबंध किससे था, एक प्रकार के न्यायालय से, मतलब कि ऑप्शन बी सही आंसर है। याद रखना है आपको, एक प्रकार का न्यायालय होता था कंटक शोधन मौर्य काल में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक कनिष्क का समकालीन नहीं था, कनिष्क जो कि कुषाण वंशीय शासक था, तो बताना है आपको कि इनमें से कौन कनिष्क का समकालीन नहीं था। ए है आर्यभट्ट, बी नागार्जुन, सी वसुमित्र, डी अश्वघोष। तो देखिए, ये जो आर्यभट्ट है ये कनिष्क का समकालीन नहीं है, ये गुप्तों के समय का है, गुप्त साम्राज्य में ये था, तो ऑप्शन ये सही आंसर है। और बाकी के जो तीन है, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, ये कनिष्क के समकालीन थे। नवा क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन अभिलेखों को उनके प्रवर्तक शासक से मिलाइए, मतलब कि एक तरफ गुप्तकालीन शासक दिए हुए, दूसरे तरफ उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, तो आपको मिलाना है। तो देखते हैं हम, पहला है प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जिसकी रचना उसके कवि हरिसेन ने की थी, तो पहला का क्या होगा, डी। उसके बाद दूसरा मेहरौली प्रशस्ति, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर है मदसौर शिलालेख, ये जो है कुमार गुप्त से संबंधित है। फिर है एरण स्तंभ लेख, इसका संबंध भानुगुप्त से है। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, डी ए बी सी, मतलब कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा नवे क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, दसवां क्वेश्चन, कौन सी एक महाकवि कालिदास की रचना नहीं है, तो देखते हैं हम, ए मालविकाग्नि मित्रम, बी विक्रमोर्वशीयम, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये कालिदास की रचना नहीं है, ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई रचना है, याद रखेंगे देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, और बाकी के जो तीनों है ये महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, दसवीं का आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन, सी यू की रचना है, तो एक रचना है सीयू की, तो बताना है आपको कि इसका लेखक कौन है, मतलब कि किसकी रचना है ये। ऑप्शन ए है फाहियान, बी है वेनसोंग, सी है इत्सिंग, डी है मतवाली। तो देखिए, ये जो रचना है वेनसोंग की है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जो एक है फो क्यू की, ये फाहियान की रचना है, फो क्यू की, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, संगम कालीन राजवंशों को उनके राजकीय चिन्ह से सुमेलित कीजिए, मतलब कि एक तरफ संगम कालीन राजवंश दिए हुए, दूसरे तरफ उनके प्रतीक चिन्ह, तो आपको मिलाना है। तो पहला है चेर, तो चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, चोल का था बाघ और पांडे का था मछली, किस प्रकार से आंसर क्या होगा, बी सी ए, मतलब कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं अब, सुमेलित कीजिए, एक तरफ मंदिर दिए हैं, दूसरे तरफ उसको बनवाने वाले शासक का नाम, पहला मंदिर है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसकी स्थापना की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि पल्लव वंशीय शासक थे, मतलब कि पहला का क्या होगा, डी। दूसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। उसके बाद है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसकी स्थापना करवाई थी राजा राज प्रथम, जो कि चोल वंशीय शासक था। उसके बाद है खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, जो कि चंदेल वंशीय शासक था। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, डी ए बी सी, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डी ए बी
सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौदहवां, निम्न विदेशी आक्रमणकारियों को क्रम से जमाइए। तो देखते हैं कौन कौन से आक्रमणकारी हैं। पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है महमूद गजनवी। तो देखिए सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरे नंबर में आया महमूद गजनवी, जिसने कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 27 तक जो है भारत में 17 बार आक्रमण किए। उसके बाद आखिरी में आता है मोहम्मद गौरी, जिसने 1191 92 में भारत में आक्रमण किया था। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, 2 3 1। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, 2 3 1, मतलब कि ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, इब्न बतूता जो कि एक अफ्रीकी यात्री था, तो बताना है आपको इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी अकबर। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पहला दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा है अतारकिन का दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। फिर तीसरा दिया है लाल महल, इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। फिर है चौथा अलाई दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, डी सी ए बी, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालिकोटा के युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है। तालिकोटा का युद्ध पता ही होगा आप लोगों को। तो देखते हैं ऑप्शन ए दिया है, यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था। सही है बिल्कुल, 1565 में लड़ा गया था। बी है विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बरार शामिल थे। तो देखिए ये गलत है, इसमें जो है बरार शामिल नहीं था, बीदर शामिल था। जो बहमनी साम्राज्य है वो टूट करके 5 भागों में बट गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये 5 भागों में बट गया था। तो इनमें से एक बीदर था जिसने कि इस लड़ाई में भाग लिया था, जो बरार है उसने भाग नहीं लिया था। बाकी ये जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन चारों ने भाग लिया, बरार ने भाग नहीं लिया। बरार का जो है गोलकुंडा के साथ शत्रुता चल रही थी, इस कारण से जो है वो इस युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन बी गलत है। उसके बाद सी है महासंघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया, मतलब कि ये जो चार जो राजवंश थे इनका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। उस बात डी है इस युद्ध के बाद विजयनगर के चौथे वंश अरविडु की स्थापना की। तो ये भी सही है, चौथा भी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी, जो गलत है वो पूछा गया है। तो 17वां का आंसर बी। फिर 18वां क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं था। तो देखते हैं, ए मानसिंह, बी फैजी, सी भारमल, डी टोडरमल। तो जो भारमल है वो शामिल नहीं था, मतलब कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए है शाह आलम, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, डी है जहांगीर। तो इसको अपनी राजधानी बनाया था शाहजहां ने, शाहजहानाबाद, जिसे कि वर्तमान समय में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की और उसे अपनी राजधानी बनाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था। अकबर के समय कौन सा एक सूबा नहीं था ये बताना है आपको, मालवा, बंगाल, गोलकुंडा और खानदेश। तो ये जो गोलकुंडा है ये अकबर के समय में उसके मतलब राज्य में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये गोलकुंडा को जो है बाद में औरंगजेब जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य हुई। तो ये बिल्कुल सही है, राजा जयसिंह और शिवाजी, जो राजा जयसिंह थे वो औरंगजेब की तरफ से थे। उसके बाद है बी, शिवाजी को मुगलों को 23 किले देने पड़े, सही है ये। सी, शिवाजी ने औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की शर्त को अस्वीकार कर दिया। तो ये गलत है, शिवाजी महाराज ने जो है औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजना स्वीकार कर दिया था, मतलब अपने पुत्र को भेजा था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, इस शर्त को शिवाजी ने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, ये दिया हुआ है। तो इसलिए क्या है, ये ऑप्शन गलत है। डी, मुगल सेना द्वारा बीजापुर पर सैन्य अभियान के समय शिवाजी को मुगलों की सहायता करना होगा, तो ये बोल रहा है, तो ये भी सही है डी बी। तो जो ऑप्शन सी है वो गलत है 21वां का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो
तो एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ संधियां। तो पहला है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस बाद दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पौंडिचेरी की संधि हुई थी। उसके बाद आखिरी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है सालबाई की संधि हुई थी। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो होगा CADB। तो अपना जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो ये गलत है। पहला ही ऑप्शन गलत है, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। बी है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकारी, ये सही है। सी है लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, ये भी सही है। उसके बाद डी है व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की थी, तो ये भी सही है। व्यपगत का सिद्धांत जिसको कि हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है या फिर गोद प्रथा निषेध के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 23वां का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला है 10 मई 1857 मेरठ के 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा विद्रोह का आरंभ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 31 मई 1857 मंगल पांडे का विद्रोह, तो ये गलत है। 31 मई 1857 जो है विद्रोह की निर्धारित तिथि थी, जो कि समय से पहले 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा आरंभ कर दी गई। और जो मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था ये 29 मार्च 1857 को, इस दिन क्या है, मंगल पांडे ने अपने अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, तो दूसरा गलत है। तीसरा है लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया, ये सही है। चौथा है सिखों ने विद्रोहियों का साथ दिया, ये गलत है। पांचवा है झांसी ग्वालियर में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो कैंपवेल ने किया, तो ये गलत है। यहाँ जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो ह्यूरोज ने किया था, और ये जो कैंपवेल था इसने कानपुर और लखनऊ में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो किया था। छठवा देखते हैं, आरसी मजूमदार द्वारा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो ये कथन भी सही है छठवां। इस प्रकार से जो है जो गलत है वो है 2, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम। ए है अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन, इसकी रचनाकार हैं रमाबाई रानाडे, ये सही है। बी है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, सही है ये भी। सी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त, ये भी सही है। उसके बाद डी है इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक दिया है वीर सावरकर, जो कि गलत है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था, और ये जो वीर सावरकर है इनके द्वारा जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, बी जेबी कृपलानी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महादेव देसाई। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, क्योंकि चंपारण में जो है अंग्रेज जो है किसानों से अधिक कर वसूल रहे थे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसके बाद। तो इसका जो आंसर है सी। 27वां क्वेश्चन है, निम्न का सही क्रम है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, चौथा है पूर्ण स्वराज दिवस, पांचवा है गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 1, मतलब कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, दूसरा उसके बाद जो है जिन्ना द्वारा जो है 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया, फिर उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930, उसके बाद जो है गांधी जी द्वारा जो है 11 सूत्रीय मांग रखा गया, और इसके बाद जो है आखिरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कहां संभाली। ऑप्शन है ए जापान, बी रंगून, सी सिंगापुर, डी कोरिया। तो ये कहां संभाली उन्होंने, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं, 1937 के विधानसभा चुनावों में
अच्छा यहाँ जो है चुनाव में आना था, उसके बाद जो मैंने नहीं लिखा है तो आप वही पढ़ेंगे। 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? पहला है पंजाब, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार, पांचवा संयुक्त प्रांत, छठवां बंबई। तो देखिए जो पंजाब और बंगाल इन दो प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसमें जो है और जितने भी राज्य है वो आपको एक बार देखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुना समझौता में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसमें मध्यस्थता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, मतलब कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये समझौता किनके मध्य हुआ था? पुना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्वकर्ता थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो यहाँ जो है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने, मतलब कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? मतलब कि कांग्रेस का उदारवादी नेता कौन नहीं था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है दादा भाई नौरोजी। तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो उदारवादी नेता नहीं थे, ये जो है उग्रवादी नेता थे, मतलब कि इनके जो विचार उग्र थे। तो ये था भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन। आप लोगों ने अपना मिला लिया होगा, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।